अभी ऐप जो डली है उसे तुरंत हटाऊंगा कि वो दिखना भी नहीं चाहिए सामने मुझे। और बिलीव करोगे आप कितनी आई इसमें वैल्यू, मैं देख के मेरे मुंह से हंसी निकली, लोगों के मुंह से गाली निकल जाती। एक्सीलेंट में जो रेंज थी वो 553,000 5,53,000 to 5,78,000। अगर प्लांट से निकल के मैं कहूँ तब गाड़ी को 1 साल 7 महीने हुए हैं, है ना, और आपने ये कह दिया 3 साल पुरानी हो गई गाड़ी, तो आप सोचो 27,000 उसको प्राइस बताया गया कि आपकी गाड़ी की प्राइस है 27,000। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई खेल इनका बहुत तगड़ा वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना संस्कारी सुमित। इस समय बज रहे हैं देखो 11:54 टाइम क्यों दिखा रहा हूँ, और सामने देखो कहूँ मैं Cars 24। अब जब भी मोस्टली यूट्यूबर के मुँह से आप Cars 24 सुनते होंगे तो सीधी सी बात है स्पॉन्सर्ड लगता होगा, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। एक्चुअली मेरे पास स्पॉन्सरशिप के लिए आया था ऑफ़र, और आपको पता है कि गाड़ी एक सेल करनी थी, तो मैंने सोचा अब वो ठंडे बस्ते में डल गया था, वो सब कुछ बिजी था। जहाँ से मुझे ऑफ़र आया था मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे कहा स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, सिर्फ जो एक्चुअल में होता है, यानी अगर किसी को कार बेचनी है, वर्बली तो कोई भी बता सकता है, लेकिन मैं कार लेकर आया हूँ, देखो कार के अंदर हूँ। और मेरे यहाँ से कितना पड़ा है ये एक्चुअली मैं इस समय बरेली में हूँ, ये देखो 98.3 बरेली में हूँ, मेरे यहाँ से नियरेस्ट यही है, वन वे है, मतलब 100 किलोमीटर वन वे पड़ा है, और अभी वापस जाना भी होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने का भी तेल लग रहा है टोल लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आके चेक तो करते हैं एक्चुअल में होता क्या, क्योंकि बहुत लोगों के मुँह से सुना है यार कि केवल स्पॉन्सरशिप की वजह से अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत गंदा होता है। तो देखते हैं क्या है, कितना कहानी बैठती है। इनकी ऐप के थ्रू मुझे एक्सपेक्टेड प्राइसेस बता गए हैं, उनसे कितना डिफरेंस आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले चलते हैं ज़रा अंदर देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से निपट के आ चुका हूँ इस समय, सब कुछ निपटा के, और टाइम हो गया देखो 2:29, 2:30 बज गए हैं, और इतनी देर किस चीज़ में लगी अब बताता हूँ सारी कहानी। देखो इतने मेरे पास कई मेल आए, अलग अलग PR एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनको इन्होंने हायर कर रखा है और स्पॉन्सरशिप के लिए कहते हैं, लेकिन यार मैं ऐसे कैसे कोई चीज़ बता दूं, दिखा दूं आप लोगों को कि हाँ ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूबर होने के साथ साथ व्यूअर तो हूँ ही, मैं खुद लोगों के वीडियोस देखता हूँ, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि 90% लोग इस चीज़ को ये कहते हैं कि हाँ ये फ्रॉड है ये सब चीज़ें। तो अब मुझे था, मैंने कहा यार स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करता हूँ, और आज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे यहाँ से मैंने आपको दिखाया था 100 किलोमीटर करीब दूर था, वन वे मैं गया, टाइमली पहुँच गया, और टाइमिंग कुछ नहीं होती, ऐसे किसी पर्टिकुलर डेट की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप, संडे को ऑफ रहता है, और उस दिन में उस वर्किंग डे में आप 10 बजे से शाम 6 बजे तक कभी भी आ सकते हो, तो वही मैं पहुँच गया था। अब वहाँ पहुँचने के बाद रजिस्टर में फिर से मेरी एंट्री करी गई, डिटेल डाली गई, और फिर मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन शुरू हुआ। एक पर्सन आया उनका जो इंस्पेक्ट करता है, जिसे वो कार जॉकी बुलाते हैं, कार जॉकी, तो वो आया, उन्होंने चेक करा। अब जैसा कि आप लोगों को भी पता है गाड़ी बिल्कुल मिंट स्टॉक कंडीशन में है, कहीं भी एक ज़रा सा मार्क नहीं था। तो मैंने उनसे ये पूछा पहले जब वो चेक कर रहे थे, मैंने कहा एक्सीलेंट कंडीशन जो उसमें है वो, देखो मैंने तो अपनी गाड़ी को एक्सीलेंट बोल दिया, अब आप अपनी साइड से बताओ आपकी साइड से वो एक्सीलेंट का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है, हर आदमी को लगता है यार उसकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सबसे टॉप नॉच कंडीशन है। तो उन्होंने कहा सर टाइम के अकॉर्डिंग हल्का फुल्का आपकी गाड़ी चल रही है, छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस को भी हम एक्सेलेंट में गिन लेते हैं, हैं, लेकिन बाकी गाड़ी में बॉडी लाइन अच्छी होनी चाहिए, पेंट कहीं नहीं होना चाहिए, किसी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी छुटपुट स्क्रैच को भी हम उसमें गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने लेकिन मेरे में तो वो भी नहीं है। तो उन्होंने देखा, फिर सारी चीज़ें उतरे, हर चीज़, टायर वायर भी देखा, टायर तक उनका जो लास्ट होता है, कह रहे नया टायर ही 70% शो करता है, उनका जो गेज एक डिजिटल मीटर था उससे चेक करा था, तो वो मेरे सारे के सारे उसी क्राइटेरिया में आए, न्यू वाले क्राइटेरिया में 17,000 गाड़ी चली थी। फिर उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें देख ली, हर चीज़ डन कर दी, फिर मैं साथ के साथ उनसे क्वेश्चन भी करता जा रहा था, क्योंकि मेरा मेन फोकस यही था कि आखिरकार ये किस तरह से डाउन करेंगे आपकी गाड़ी की वैल्यू। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चलो पहली चीज़ तो लोग गलत डाल देते हैं उस वजह से डाउन हो जाती है। उन्होंने कहा सर मेजरली यही होता है। मैंने कहा अब मैंने जो चीज़ें उसमें डाली थी वो तो सारी सही हैं, तो कहने लगे हाँ। फिर उन्होंने मेरी RC ली, फिर उन्होंने कहा देखो सर आपने एक गलती कर दी। मैंने कहा क्या गलती करी मैंने? तो उन्होंने कहा सर देखो इसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2019। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, और वो भी 11वां मंथ था, 11th मंथ नवंबर 2019 की मैन्युफैक्चरिंग थी। मैंने कहा हाँ ठीक है। कह रहा सर आपने देखो यहाँ पर 2020 मॉडल ईयर लिखा है। मैंने कहा सर जो पूछा जाता है मैंने तो वो लिखा।
कहने लगा सर जो समय टेंटेटिव प्राइसिंग आई थी वो 2020 मॉडल के हिसाब से थी। मैंने कहा सर उसमें पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन ईयर, मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप भी जब चेक करोगे अपनी गाड़ी को उसमें ये नहीं मांगेगा कि कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें पूछेगा आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो 2020 है। मैंने 29th of January 2020 को मैंने वो करवाया था रजिस्ट्रेशन और वो उसमें मैंने मेंशन कर दिया था। फिर जब मैंने उन्हें ये बताया, मैंने कहा देखो, मैंने मोबाइल खोल के उन्हें दिखा दिया, तो कहने लगे हाँ सर हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया। हम लोग ऊपर गए ऑफिस में, अब उन्होंने कहा सर मैंने ये सारी चीज़ें फाइनल कर दी हैं, करीब उसे लगा था 20 से 25 मिनट ये चीज़ों में फ़ोटो वोटो खींचे, ये सारी चीज़ें डन कर दी हैं, अब इसकी एक रिपोर्ट मैं ऑनलाइन सबमिट कर दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब इस रिपोर्ट को सबमिट करने में उन्हें और 10 मिनट लगे, फिर मेरे पास 10 मिनट बाद मैसेज आया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई है और आप रिपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव था उससे। तो ये मेरे पास मैसेज आ गया। अब मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सर अभी एक और मैसेज आएगा आपके पास जिसमें कोड लिखा होगा जिससे आपके वैल्यूएशन पता लगेगा, अभी बिडिंग में गई है ये गाड़ी। तो मैंने कहा भाई कितना टाइम लगेगा, कह रहे 24 मिनट्स, क्योंकि कार 24 है। तो मैं ठीक है, ये चीज़ होते होते भाई पूरे 57 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आया। अब 24 मिनट का तो कुछ है नहीं, वो एक घंटा मुझे लगा वहाँ पर। इसी बीच में वहाँ पर मैनेजर थे, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आपके प्राइसिंग जो मैंने ये सुना है कि आप फ्रॉड करते हो, ये है वो, सीधे मैंने ये बोला कि कम प्राइस बताते हो तो कैसे अलग अलग हो जाता है प्राइस, है ना, अगर उसमें दिखा रहा है, क्योंकि उसमें भी प्राइस दिखाने से पहले गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है, मॉडल पूछ रहा है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसे डेप्रिसिएशन नहीं होगा, आपने जो बताया अगर सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो बिल्कुल उसी रेंज में ही आएगा, और होगा तो बहुत हल्का फुल्का होगा लेकिन नहीं होगा। जो कार जॉकी थे उनके, उन्होंने कहा नहीं सर उसी रेंज में आएगा आपका, तो आप टेंशन मत लो, गाड़ी मैं देख रहा हूँ, गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, पन्नी वन्नी चढ़ी हुई है अब तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बहुत बढ़िया, और वो जो मैनेजर थे उन्होंने बोल दिया कि हाँ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है कार की वैल्यू को लेकर, मार्केट वैल्यू। तो मैंने कहा भाई मार्केट वैल्यू आप तब कहो जब हम एप्लीकेशन में सिर्फ कार डाल रहे हैं, वहाँ पर मॉडल उसका मैन्युफैक्चरर कौन है ये सब नहीं डाल रहे, ब्रांड वैल्यू क्या है, जब वहाँ पर ब्रांड वैल्यू वगैरह सब कुछ पूछ ले रहे हो पहले ही और फिर उसके बाद पूरा कैलकुलेट करके हमें दिखा रहे हो, तो यहाँ पर आके हमें ब्रांड वैल्यू दोबारा से क्यों गिना रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, आपकी गाड़ी तो फर्स्ट क्लास है। मैंने कहा ठीक है। एक घंटे बाद भाई पिन आया, मैंने उन्हें बताया, और बिलीव करोगे आप कितनी आई इसमें वैल्यू, 353,000, 354,000, मतलब 3.5 लाख, मोटा मोटा 3.5 लाख वैल्यू उन्होंने सामने रख दी मेरे। मैं देख के मेरे मुँह से हंसी निकली, लोगों के मुँह से गाली निकल जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडिया था और मैं इस उम्मीद से नहीं गया था कि गाड़ी बेचनी है, मुझे बस ये था कि यार इतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप वाला सीन हो रहा है कि यहाँ आ रहे हैं, अब मैं किसी चीज़ को कैसे ट्रस्ट कर लूँ। मेरे मुँह से एकदम हंसी निकली, अब हंसता देख वो एकदम से ऐसे हो गए, जाए खींच जैसी हो जाती ना वो चीज़। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है आपका, ठीक है। मैंने कहा अब इसमें किस किस चीज़ से डेप्रिसिएशन हुआ ये बताओ मुझे, जस्टिफाई तो करेंगे ना, ऐसे अगर 2.5 लाख आ जाता ऐसे मुँह से आ गया। तब उन्होंने मुझे बताना शुरू करा सर आपकी गाड़ी की वैल्यू नहीं है मार्केट वैल्यू, मेन जो चीज़ होती है वो होती है मार्केट वैल्यू। मैंने भाई मेन चीज़ तो आपकी गाड़ी की कंडीशन और जो जो मैंने फिलअप करा था फॉर्म में वो था उस समय, और गाड़ी की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू जो है वो तो पहले भी कैलकुलेट हुई होगी ना, और मैं बताऊँ जो उस समय कैलकुलेट होकर आ रही थी वो एक्सीलेंट में जो रेंज थी वो 553,000, 553,000 to 578,000, मतलब 553,000 5.5 लाख से 4.25 लाख के बीच में थी, और वही एक्सेलेंट सब कुछ। रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने जो गलत भरा हो, हैं। और उन्होंने मुझे फिर ये भी बताया देखो सर आपकी 2019 है। मैंने कहा भाई इसमें मेरी क्या गलती है, आप जब मुझसे रजिस्ट्रेशन ईयर पूछ रहे हो मैं तो वही डालूंगा। और उन्होंने फिर बताया कि 2019 है तो आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी हो चुकी है। मैंने 3 साल पुरानी, भाई अभी एक जो इंश्योरेंस है वो मेरा एक्सपायर हुआ है और दूसरा इंश्योरेंस अभी मेरा 6 महीने चला है। कायदे में गाड़ी प्लांट से निकल के मेरे पास, अगर प्लांट से निकल के मैं कहूँ तब गाड़ी को 1 साल 7 महीने हुए हैं, है ना, और आपने ये कह दिया 3 साल पुरानी हो गई गाड़ी। मैं हंस हंस के भाई क्या कहूँ मैं, हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सर यही गाड़ी की वैल्यू है और इतनी ज़्यादा बिकती नहीं है, इतना ज़्यादा इसकी वो नहीं चलता, यानी लोग ज़्यादा हाथ नहीं रखते इस पर। मैंने भाई जब ये आप बता रहे हो मुझे, मैंने सारी चीज़ आपको बता के आपने मुझे प्राइजेस बताए, उसके बाद आप कौन होते हो ये बताने वाले, आप कार 24 वाले को समझ है ना जो ऊपर सिस्टम जनरेट कर रहा है, यानी सर कोई और होती तो अच्छा आता आपका प्राइस। मैंने कहा भाई ऐसे कोई और होते चलो मैं कोई और लेकर आ रहा हूँ। अब एक आई सेंट्रो जिंग, जिंग की काफ़ी अच्छी खासी इस समय डिमांड है, और उसको जो दिखा रहे थे 80,000 के अराउंड दिखा रहे थे प्राइजेस,
और वो बंदे का जो प्राइस आया उसमें चलती गाड़ी लेकर आए लोग, सीएनजी किट उसमें लगी हुई थी, तो आप सोचो 27,000 उसको प्राइस बताया गया कि आपकी गाड़ी की प्राइस है 27,000। भाई 27,000 रुपये भाई पुरानी किट बेचने जाएगा, 10,000 रुपये की तो उसकी पुरानी किट बिक जाएगी जो केवल उसकी सीएनजी किट है वो, और बाकी गाड़ी तो अगर बंद खड़ी है बिल्कुल बेकार तब कबाड़ में वो 18-20 हज़ार रुपये की बिक जाएगी। इस समय सेंट्रोजिंग की ये डिमांड है, उन्होंने ये बताया, तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई खेल इनका बहुत तगड़ा वाला है। और उसमें भी जो बताया 3.5 लाख उसमें भी फिर कटते हैं इनका चार्ज, काटा जाता है 1% डील का, और फिर उस पर जो कमीशन होगी 1% डील की उस पर जो GST है वो भी लगेगा। तो मेरे हाथ में दे रहे थे ये 3,49,000 और उसके साथ साथ जब पेशी होती है मतलब गाड़ी जब वो होती है ट्रांसफ़र होती है ना, तब मालिक को भी वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि जब गाड़ी बिक जाएगी और ट्रांसफ़र होगी तब फिर से जाना पड़ेगा। तो उस बात के ये 10,000 रुपये पहले रोक लेते हैं, मतलब अभी अगर मैं गाड़ी बेचता तो मेरे को 10,000 रुपये वहाँ पहले रोक लिए जाते, मुझे दोबारा से आना पड़ता और वहाँ पर जब मैं पेशी वगैरह कर दूंगा गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी तब वो मुझे 10,000 रुपये देंगे। अब वो 10,000 मेरे अटके रहेंगे कब तक, जब तक भाई दूसरी पार्टी मिल नहीं जाती, ये सीन, क्योंकि जब तक दूसरी पार्टी पसंद कर ले, डील हो जाए उससे और सब कुछ फाइनल हो जाए तभी तो नाम होगी, तो तब तक मेरे 10,000 अटके रहेंगे क्योंकि कार 24 को कोई वो नहीं मिल रहा, बायर नहीं मिल रहा इसीलिए हैं। और उसके बाद अगर गाड़ी पे लोन है, जैसे मेरी गाड़ी पे लोन है, मोस्टली कार्स पे लोन होता है, जो नई है उस पे तो होता ही होता है, तो कार पे लोन है तो NOC आने तक आपके 25,000 रुपये रोक दिए जाएंगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी पे 3.5 लाख रुपए लोन है, ठीक, और मैं यहाँ पर गाड़ी बेचना है, इन्होंने मुझसे 3.5 कहे, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई आप 3.5 दे दो बैंक में और बाकी जो NOC वगैरह है वो ले लो, तो ये नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं सर हम वो रोक के रखेंगे पहले पैसे, अगर डील लेकर जानी है NOC कागज़ जब तक नहीं आ जा रहा तो वो कट कटा के पेशी के 10,000 और 35,000 और कटते, तो 3,14,000 रुपये मेरे पास आ रहे थे अभी अगर मैं लेकर जाता हूँ, उसके बाद फिर से दोबारा ये तमाशे होते हैं। तो भाई ये चीज़ें आज फेस करी हैं, क्या क्या हैं सारी, मतलब 3.5 लाख 50% 1.5 साल के अंदर, कौन सी गाड़ी, कोई सी गाड़ी बता दो 7.25 लाख रुपए की इस समय नई गाड़ी है, 7,35,000 रुपए की, कौन सी गाड़ी ऐसी है जो बिल्कुल 50% 50 भी नहीं, 3 लाख अगर 49,000 मेरे हाथ में आ रहे हैं 50% से भी डाउन कौन सी गाड़ी आ जाती है ये मुझे बताओ। ये चीज़ मेंशन नहीं करी उसमें कि इसमें एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ले रखी है, उसमें पॉजिटिव हाईलाइट एक सेक्शन था और उसमें लिख रखा था गाड़ी जो कार है वो अंडर वारंटी है, ठीक है, तो मैंने कहा आपने इसमें पॉजिटिव में ये क्यों नहीं लिखा कि कार पे एक्सटेंडेड वारंटी है, कह रहे सर ये जो कार अंडर वारंटी है ना इसका मतलब यही एक्सटेंडेड वारंटी है। तो मैंने कहा यार ये बेवकूफ़ कैसा बनाते हैं, मतलब कार अंडर वारंटी तो है ही है, तो नॉर्मल कंपनी की जो वारंटी है अभी क्योंकि 2 साल नहीं हुए उसमें तो वारंटी में है ही है, तो ये तो उन्होंने लिखना ही था। तो मैंने कहा भाई ये वो है, तुम क्यों यार मुझे वैसा ये मत समझो कि गांव वाला है एक बार बोल दिया और हो गया काम, तो कहने लगे अच्छा अच्छा सर तो वो लिखा नहीं होगा, फिर बाद में बोला वो लिखा नहीं होगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के ये एक्सपीरियंस रहा है आज का, करीब 1500 रुपये खर्च हुए मेरे, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है वो चीज़ एक दिमाग से अभी ऐप जो डली है उसे तुरंत हटाऊंगा कि वो दिखना भी नहीं चाहिए सामने मुझे, भाई ठगों से जितनी दूर रहो उतना सही है, अब कुछ भी करें ऊपर से मैं तो ये वीडियो जो है मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बना रहा हूँ, सुनी सुनाई बात बताता या कुछ करता तो भाई कंपनी के मेल भी आते मुझ पर ऊपर, अब भी मेल करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैं तो सीधा कह रहा हूँ गाड़ी के मार्केट वैल्यू कौन लगाएगा ये तो बताओ, कौन लगाएगा मार्केट वैल्यू, तुमने मुझे टेंटेटिव प्राइस बताए इतने से इतने, ठीक है रेंज बताई, कंडीशन उसमें थी, उसमें जब मैं पहले बता चुका हूँ इस ब्रांड की गाड़ी है, ये ईयर है, हर चीज़ बता चुका हूँ, तो अब तुम बिल्कुल हाफ प्राइस करके, मतलब पहले 4.5-6 लाख रुपये अगर वो पीक प्राइस है वो बता रहे थे और अब आ गए 3.5 लाख रुपए पे, तो अब आप खुद समझो आप करीब 2.25 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो डाउन हो गए वो किस हिसाब से डाउन हो गए, कोई हिसाब नहीं भाई, बस जस्टिफाई वो करना शुरू कर देंगे जैसे ही प्राइस आएंगे, पहले ये रहेगा कि नहीं सर कुछ नहीं होगा बहुत यही प्राइस मिलेंगे बहुत बढ़िया गाड़ी है, आपको 1-1.5 घंटा वहां पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक वेट करवाएंगे, और जैसी रिपोर्ट आती है एकदम से हालात बदल गए जज्बात बदल गए हो जाएगा, तुरंत वो आपको ये
रियलाइज करवाने लगेंगे कि आपकी गाड़ी की क्या हालात है मार्केट में, कितने बुरी कंडीशन है। कोई सी भी गाड़ी ले आओ, ये मैं पहले भी अपनी अर्टिका बेच चुका हूँ एक, और उस समय भी यही हुआ था। मैं कार 24 में नहीं था लेकिन दूसरी जगह था, लेकिन मार्केट का ये होता है, जो भी आप कार बेचने आओ या जो भी चीज़ बेचने जाओ ना खुद मार्केट में, उसकी कीमत कभी नहीं रहती। जब कोई आपके यहाँ खुद वो चीज़ लेने आए, कीमत सिर्फ तब होती है उस चीज़ की। तो यही कहानी है, लेकिन यहाँ पर तो भाई और ज़्यादा बिल्कुल ज़मीन में गिरा दे रहे। चलो जो भी है, एक्सपीरियंस था, शेयर करना था, और ये नहीं कहूँगा कैसा लगा वीडियो, जो भी था, क्योंकि जो चीज़ मेरे ऊपर रही उससे आप लोग भी सीखो, और जो 1500 रुपये मैंने लगाए हैं, खर्च करे हैं, फिर जो एक्सपीरियंस लाया, आप पैसे लगा के एक्सपीरियंस मत लेना, इसी से सीख लो। तो बस यहीं साइन आउट करता हूँ। तो भाई पैसे खर्च हुए हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ दी है आपको, तो लाइक कर लेना वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और यही था इस वीडियो में। जय हिंद।